नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चुका है शाम के 4 बजे और 4 बजे हम आपको प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं और संवाददाता से खबर का विश्लेषण जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों से। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज की पूछताछ खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ईडी से उनसे आज करीब 3 घंटे पूछताछ की और उन्हें कोई नया समन जारी नहीं किया गया है। सोनिया गांधी से 3 दिन में करीब 11 घंटे की पूछताछ की गई है। ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विपक्ष को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के कई प्रावधानों और संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज का पूछताछ जो है वो खत्म हो चुका है, क्या कुछ अहम बिंदुएं निकल कर सामने आई हैं? ऑफिस में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज 30वें दिन उन्हें तलब किया गया था। 30वें दिन की पूछताछ में उनसे लगभग 50 सवाल पूछे गए। उन 50 सवालों के अगर जवाब देखें तो उसमें उनसे ये पूछे गए कि आपके और राहुल गांधी के जो नेशनल हेराल्ड पेपर में जो उनकी हिस्सेदारी थी वो कैसे है और इसका और कौन कौन से लोग इसके हिस्सेदार हैं। साथ ही आपको बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी है इसको लेकर जो उनकी अंतिम अध्यक्ष हैं उनको जब ईडी की तरफ से 30वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो आज 30वें दिन भी प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए तो देश भर के अनेकों राज्यों में, चाहे बात की जाए जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है चाहे बात करें जहां कांग्रेस नहीं है, इन सभी जगहों पर इसका जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो कि लखनऊ के जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि केंद्र सरकार जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो जो प्रमुख विपक्षी दल है केंद्र में वो कांग्रेस है और उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। वहीं बताया आपको पिछला की जब पूर्व MLC दीपक सिंह से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब जो याचिका डालने वाला था, यानी कि जो याचिका है 2012 में जो बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी उनकी तरफ से डाला गया था तो उसको जब वापस ले लिया गया है तो सरकार इसको अपने एक तरह से वेपन की तरह से यूज करके अब छवि धूमिल कर रही है। वहीं आपको बताएं कि पूछताछ के दौरान जो सोनिया गांधी ने जवाब दिया उससे नए सवाल बनाकर उनसे पूछताछ किए गए, इसको भी और इसके विरोध को लेकर जो दिल्ली में विजय चौक है और कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय इसको लेकर पदयात्रा जो कार्यकर्ता थे वो करना चाहते थे मगर उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं आपको बताया कि कांग्रेस के लगभग 50 से अधिक सांसदों को आज फिर हिरासत में लिया गया। साथ ही आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता थे महज एक सत्याग्रह के तहत पदयात्रा करना चाहते थे मगर वो पार्टी के दफ्तर के बाहर ही रोक लिए गए। जी त्रिशला, विभांशु, इस दौर की पूछताछ हो चुकी है, अगले दौर की पूछताछ को लेकर क्या कोई अपडेट है, क्या कोई आगे का समन जारी किया गया सोनिया गांधी को? जी त्रिशला, आपको बता दें कि 30वें दिन की पूछताछ खत्म हो गई है और अभी ईडी की तरफ से इसकी जानकारी नहीं मिली है कि क्या सोनिया गांधी को आगे फिर आना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं जिसके चलते उनके उनके जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं तो उनके साथ मेडिकल टीम भी आती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी के कार्यालय में मौजूद रहती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईडी की पूछताछ आगे भी सोनिया गांधी से होती है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की तो 5 दिन की पूछताछ में लगभग 70 घंटे उनसे पूछताछ हुई। अब दोनों के जो जवाब है उनको मिलाकर एक साथ रखा जाएगा और आखिरी रिपोर्ट बनाई जाएगी मगर अभी अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या सोनिया गांधी को फिर से ईडी के दफ्तर जाना होगा। जी त्रिशला, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। वहीं एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार घोटालेबाजी और गड़बड़ी को लेकर
सख्त नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान है। यही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षण के बावजूद जिम्मेदारों पर इसका असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें सरकारी अस्पताल में 12 बजे तक ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुल रहा है और ना ही डॉक्टर फार्मासिस्ट भी गायब रहे, जिससे पीड़ित मरीज बाहर बैठकर अस्पताल खुलने और डॉक्टर का इंतजार करते हुए नजर आए। बता दें कि मोहनलालगंज के सीसेंडी कस्बे का यह मामला सामने आया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जहां एक तरफ लगातार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह अस्पतालों में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही कैसे सामने आ रही है? सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है जो कि वो की स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने तमाम ऐसे अगर देखे तो लक्ष्य रखे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे बात की जाए बेड की, चाहे बात की जाए आईसीयू की, तो तमाम चीजों के दावे कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से तमाम जिलों के भ्रमण करके वहां का जायजा लिया गया कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सके। वहीं अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के सिसोईडी इलाके में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां के जो तमाम जिम्मेदारान हैं, बात की जाए डॉक्टर या फार्मासिस्ट या किसी कर्मचारी की, तो 12 बजे तक वो अस्पताल का ताला नहीं खोलते हैं, जो कि जो ब्रजेश पाठक के का सपने हैं उसको पूरे चूर चूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर ना आने की वजह से जो आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। वहीं हाल ही में निर्देश आया था कि जो सूबे के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सभी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कार्यालयों पर 9:30 तक पहुंच जाएंगे और जल्द ही बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जा सकेगी, जिससे जो मनमानी करते हैं कर्मचारी वो नहीं कर सकेंगे। और इस सख्त आदेश का पूरी तरह से पालन ना करते हुए इस सीसीडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जहाँ 12 बजे तक जो उपचार कराने को लेकर जो पीड़ित वहां जो मरीज आए हुए हैं वो लंबे अरसे तक इंतजार करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लापरवाही पर वहां के जो जिम्मेदारान हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, और जो अन्य ऐसे जो प्रकाश में नहीं है ऐसे जगहों को, ऐसे सामुदायिक केंद्रों को सरकार कैसे व्यवस्था जो दावा कर रही है उसको कैसे पूरा कर पाएगी। और जो अगर देखने वाली एक और बात होगी कि जब इन जिम्मेदारानों को जो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उसको पूरी तरह से फेल करते हुए जो कारनामा किया गया, इस पे क्या कार्रवाई होती है। विभांशु, जब लखनऊ के आसपास की ये हालात है तो लखनऊ से जो दूर जिले हैं उनकी क्या स्थिति बनी होगी? जब इतने पास में लखनऊ, कभी भी अधिकारी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, कभी भी सीनियर वहां पर पहुंचते हैं, उसके बावजूद ये हालात स्वास्थ्य महकमे की बनी हुई है, लगातार निरीक्षण निर्देशों के बावजूद भी डॉक्टर पटरी पे आने का कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ऐसे में इस मामले को लेकर क्या कोई अभी ऊपर से कोई आदेश जारी हुआ, क्या कोई संज्ञान लिया गया, किसी के ज्ञान में आया यह मामला? जी बिल्कुल, तिसला आपको बताएं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम दावे किए गए और कहे गए कि कब तमाम जगहों पर दौरे किए गए, उसमें कहा गया कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की ये हाल है, तो अन्य जो जिले हैं उसके हाल को देखने के लिए हाल ही में अगर देखें तो ऐसे कई जगह वो भ्रमण करके निर्देश दिए हैं। वहीं जब वो कहीं पहुंचते हैं तो वहां के जो जिम्मेदारान हैं वो चीजों को समेट लेते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री को सचेत होना पड़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो दावे कर रहे हैं उसकी जो पोल खुल रही है उस पे काम करना होगा। वहीं अगर बात करें तो जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां ऐसे मामले आते भी हैं तो वो सामने नहीं आ पाते हैं, अब मुख्यमंत्री को उस पे पूरे
संज्ञान लेते हुए जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं इनमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी लचक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। जी तस्ला विभांशु, कहां पर कमी देखी जा रही है, आखिर किसकी कमी है जब ऊपर से आदेश सख्त है, ऊपर से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो आखिर ये कमी कहाँ से आ रही है, आखिर कौन सी ऐसी कड़ी है जो दुरुस्त नहीं होने दे रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को? जी त्रिशला, आपको बताएं तो मुख्यमंत्री के तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिम्मेदारान जो सीएमओ हैं, साथ ही साथ सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही के वजह से कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नजर नहीं आती है। और इसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं कि आपको 9:30 तक अस्पतालों में दाखिल हो जाना है, साथ ही साथ पूरे समन्वय बनाकर मरीजों के साथ पेश आना है। और अगर बात की जाए तो हाल ही में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया था कि आप ऐसा इलाज करें कि मरीज को, जो गरीब मजदूर है, उसको ये ना एहसास हो कि वो प्राइवेट अस्पताल में आया है या गवर्नमेंट में। तो इन सब चीजों और निर्देशों को देखते हुए जो तमाम जिम्मेदारान है उसको इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री को जो गैर जिम्मेदारान लोग हैं उस पर कार्रवाई करते हुए एक संदेश देना चाहिए कि जो उनका लक्ष्य है उसको, जो तमाम वो प्रयास कर रहे हैं उसको जल्दी पूरा कर सकें। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। यूपी के जनपद हरदोई में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के बजाय शाही थर्ड वार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल आराम तलब शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में को आरामगाह और बच्चों को सेवादार बना लिया। वायरल वीडियो में शिक्षिका बच्चों को धमका कर क्लासरूम में ही उनसे हाथ दबवाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शिक्षिका के बच्चों को सेवादार बनाकर आराम फरमाने के इस शाही अंदाज का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप नवाबी देख सकते हैं शिक्षिका की, किस ठाट के साथ ये बैठकर बच्चे से हाथ दबवाती हुई नजर आ रही है। मीडिया के माध्यम से यह वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है जिसमें प्रथम दृष्टया शिक्षिका दोषी पाई गई है, उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है और खंड शिक्षा अधिकारी से जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को धमका कर पहले तो शिक्षिका हाथ दबाती है, उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो जो सीनियर है, जो जिम्मेदार है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह जो मामला है वो संज्ञान में आया है, अब वो उस पर कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर शिक्षिका को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उसे वेतन बच्चों को शिक्षा देने की दी जाती है, ना कि उन्हें सेवादार बनाकर अपनी सेवा कराने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के संवाददाता हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। हर्ष, पहले तो क्या कुछ यह पूरा मामला है, कौन है ये शिक्षिका जो बच्चों को अपना सेवादार समझ रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? आपको बताते चलिए, विकास खंड हरदोई के पावन ग्राम पोखरी का है ये वायरल वीडियो है। यहाँ पे जो शिक्षिका उर्मिला सिंह है ये पद पे तैनात है और इन्होंने अपने जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनपे सेवा ले रही है, सेवादार बना के उनसे अपने हाथ दबा रही है, पैर दबा रही है, यहाँ तक तो धमका भी बच्चों को रही है। जब यह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उच्च अधिकारी इसको संज्ञान लेकर उनको निलंबित भी कर दिया है। लेकिन आप कैमरा जो बच्चे वहां पे देखे हैं कि वहां पर धमका रही है और इस तरीके से घास छिपाती है, हमसे पैर दबाती है, हालांकि कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है इतनी शक्ति के बावजूद, क्योंकि सरकार में शक्ति होने के बावजूद भी इस तरीके से शिक्षिका हाथ पैर दबा रही है। अगर बात किया जाए उच्च अधिकारियों की तो क्या कोई औचक निरीक्षण विद्यालयों पे नहीं किया जाता है बीएसए की ओर से या फिर कुछ किसी जिम्मेदार की ओर से? तभी तो शिक्षिका जिसको बच्चों को शिक्षा देने के लिए वेतन मिलता और बच्चों से अपनी सेवा करा रही है, और संज्ञान में आने के बाद जो जिम्मेदार है हर्ष, उनका क्या कहना है इस मामले पर, किस तरह की कार्रवाई इस महिला शिक्षिका पे की जाएगी? ज्यादातर यहाँ के जो बीएसए है लगातार छापेमारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है
ये कमियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर सख्ती से केस आया जाए तो इस तरीके से ये लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन जो शिक्षिका है वो उनकी शिकायत बराबर हो रही थी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे किसी ग्रामीण ने बनाया, इसको वायरल कर दिया है। वायरल करने के बाद जो उच्च अधिकारी है उन्होंने संज्ञान लेके इनको निलंबित कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हर्ष। प्रयागराज में साल 1959 में संचालित हो रहे विद्यालयों को भवन नहीं मिला। आलम यह है कि किराए के कमरे में संचालित हो रहे विद्यालयों का अध्यापक अपने तनख्वाह से किराया देते हैं। बता दें कि विकासखंड में आने वाली बीरवल ग्राम सभा का ये मामला है, जहां जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है और उस प्राइमरी स्कूल में करीब 6 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं जो किराए के कमरे में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। विद्यालय के हेडमास्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आज तक कोई भवन नहीं मिला। आखिर ये किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय संचालित हो रहा है, कौन सा गांव है, अगर विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की पठन पाठन, जैसा कि हम बताना चाहते हैं आपको, ये बिरवल गांव का विद्यालय है। यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय भी है, उससे उच्च कोटि की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ के जो बच्चे हैं सब इनसे आप पूछ लीजिए, एक नंबर के पढ़ने वाले हैं। वहाँ सरकारी स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो भी है सुपर व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पांडे है। संगम नगरी प्रयागराज के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बिरवल गाँव में हूँ और ये मेरे पीछे की तस्वीर है। पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, जो जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है एक विद्यालय है। अगर विद्यालय की बात की जाए तो किराए के कमरे में यह विद्यालय संचालित हो रहा है। अब इसमें जो सबसे मुख्य वजह है, मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, बातचीत में शिक्षकों ने बताया कि इस जो कमरे का जो भवन का किराया है वो शिक्षक अपने सैलरी से देते हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, तो निश्चित रूप से यहाँ जो छात्रों की संख्या है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरफ जहाँ शासन देश के नौनिहालों के बात करती है और अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों को स्मार्ट सिटी बना रही है, और जो तस्वीर है निश्चित रूप से एक बड़े सवाल को खड़ा करती है। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि यह विद्यालय किस तरह से संचालित हो रहा है और इस विद्यालय में किस तरह की चीज़ें हैं जो देश के नौनिहालों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। सर, ये जो विद्यालय है ये किस तरीके से आप लोग यहाँ पे चला रहे हैं और ये किस तरीके से कौन से संस्था से चल रहा है, कैसे आप लोग चला रहे हैं? ये हमारा विद्यालय जिला समाज कल्याण द्वारा संचालित होता है और मान्यता हमको भी वहीं विभाग द्वारा पहले मिलता है, उसके बाद हमको अनुदान विभाग द्वारा मिलता है समाज कल्याण द्वारा। तो हमारे यहाँ स्टाफ 5 लोग हैं और हम ये विद्यालय पहले कहीं और चलता था तो विद्यालय का भवन न होने के कारण फिर हम लोग किराया, चूँकि हम ही अपने वेतन से हम लोग इसका पेमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ हम लोगों ने आए, करीब करीब हमको यहाँ आए भी हो गया है 6-7 साल। तो हमारा विद्यालय आप संख्या देख रहे हैं, संख्या हमारे यहाँ कम नहीं है बच्चों की, हमारे यहाँ 5 अध्यापक हैं और संख्या अच्छी है। अब रह गई बच्चों की सुविधा की, तो सुविधा में जो प्रसिद्धि विद्यालय में मिड डे मील है या बुक है या ड्रेस है तो वो उनको भी मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है। हम लोग अब प्रयास करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेट लतीफ़ हमको कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है। बाकी चीज़ जैसे और है, पेंसिल वगैरह रबड़ है, तो कुछ हम लोग बच्चों को अपने जेब से भी खर्च करके देते हैं और मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। मैनेजमेंट तो हमको जब किराया भी नहीं देती है, उसकी बिल्डिंग भी नहीं है, तो वो कहते हैं हमको कुछ मिलता नहीं, हम कहाँ से दे सकते हैं, आपको सैलरी मिल रही है आप लोग दीजिए। तो हम लोग अपने जेब से ही सारा करते हैं और शिक्षा आप देख ही रहे हैं, हम लोग जितना हमसे संभव हो सकेगा या हो रहा है हम लोग प्रयास करके बच्चों को शिक्षित करते हैं। बच्चे ऐसे परिवार से हैं कि जिनको नितांत आवश्यक है शिक्षा की, या बच्चे कभी नहीं विद्यालय आ पा रहे थे तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि वो बच्चे आएँ पढ़ें और समाज में जुड़ें और समाज में आगे जाएँ, आगे भविष्य इनका बने। तो बच्चों को हम लोग इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम लोग इनको दे रहे हैं।
बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पे एक बड़ा सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं कि एक तरफ जहां शासन देश के नौनिहालों के उच्च शिक्षा की बात करती है और ये जो तस्वीरें हैं एक बड़े सवाल को खड़ा करती हैं कि आखिर किराए के भवन में देश के नौनिहालों से इतना बड़ा मजाक क्यों। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। इस खबर पर अधिक जानकारी के संवाददाता पवन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, शिक्षा विभाग की पोल खोलती हुई तस्वीर जो सामने आई है, आखिर क्या सच है कि अभी तक जिला कल्याण समाज द्वारा संचालित इस स्कूल को भवन नहीं मिल पाया और जो अध्यापक है वो खुद के वेतन से इस भवन का किराया देने को मजबूर है? जी बिल्कुल मुस्कान, ये जो तस्वीरें हैं एक बहुत बड़ा सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर विकासखंड जसरा के बिरवल गांव की हैं। और ये जो बिरवल गांव है यहाँ पर 1959 से विद्यालय संचालित हो रहा है और इस विद्यालय की अगर बात की जाए तो ये विद्यालय किराए के कमरे में संचालित हो रहा है और विद्यालय में करीब 100 से ज्यादा जो है नौनिहाल है, जो देश का भविष्य है, वो पठन पाठन कर रहे हैं। बातचीत में वहां के अध्यापकों ने बताया है कि जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये विद्यालय संचालित हो रहा है और इस विद्यालय का कोई अपना खुद का भवन नहीं है और ये जो भवन है जिस मकान में ये जो छात्र और छात्राएं जो पढ़ रहे हैं, ये जो वहाँ के अध्यापक हैं अपने किराए से, अपने पैसे से और अपने तनख्वाह के पैसे से उस भवन का किराया भर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर से एक बहुत बड़े सवाल को खड़ा करती है कि आखिर जिस तरीके से देश में या पूरे देश की बात की जाए तो शासन द्वारा लगातार नौनिहालों के उच्च शिक्षा की बात की जाती है, उनके लगातार जो है इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से जो तस्वीर है बहुत बड़े सवाल को खड़ा करी है। जी मुस्कान, हर जो तमाम तरह की योजनाएं बच्चों के लिए लाई गई है, जो तमाम तरह के योजना हो गए, चाहे उनके स्कूल में मिड डे मील के हो गए, चाहे उनके ड्रेसेस के हो गए, क्या उन योजनाओं के लाभ से भी वंचित है ये नौनिहाल? नहीं, वहाँ पे जो बातचीत हुई हमारी वहाँ के जो अध्यापक, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से परिषदी विद्यालयों में छात्रों को मिड डे मील दिया जाता है, वैसे यहाँ पे जो अध्यापक है वो अपने तनख्वाह के पैसे से मिड डे मील देते हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं। और वहाँ पे जो अध्यापक, उन्होंने बताया कि जो नौनिहाल है ये देश का भविष्य है, इनके भविष्य को संवारने के लिए अध्यापक जीतोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बातचीत में ये जरूर बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से उनसे वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता में उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है, उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है। और आश्वासन भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से वो दर्शक देख रहे हैं, प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए ये तस्वीरें बेहद खास मानी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में नौनिहालों के उच्च शिक्षा की बात की जाती है और जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से जमीन और आसमान का फर्क को साफ तौर पर दिखा रही है और ये तस्वीरें बड़े सवाल की ओर इशारा भी कर रही है। जी मुस्कान, हर्ष, अगर एक तरफ देखा जाए तो ये शिक्षक मिड डे मील भी खुद के तनख्वाह से दे रहे हैं, क्या इस बात के इल्म बीएसए या फिर किसी उच्च अधिकारी को है शिक्षा विभाग के? मुस्कान, जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो आला अधिकारियों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि जो अध्यापक है उनका कहना है कि अधिकारियों से वो संपर्क में है और जल्दी उनके समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो जो सबसे बड़ी बात है, 1959 से ये विद्यालय संचालित हो रहा है, तो क्या अभी तक किस जिले के किसी भी आला अधिकारियों के संज्ञान में ये विद्यालय नहीं है? या जो देश के भविष्य है, जो सबसे ज्यादा वहां पे नौनिहाल है, क्या वो उनके संज्ञान में नहीं है? अगर वाकई संज्ञान में नहीं है तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे शिक्षा विभाग के ऊपर। जी मुस्कान, बिल्कुल हर्ष, मैं चाहूंगी कि आप इस मामले को वहां पर बीएसए या फिर शिक्षा विभाग में किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराएं इस मामले को, क्योंकि ये जो नौनिहाल है, 100 बच्चे है, ये देश का भविष्य है, कहीं ना कहीं इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो तमाम तरह के दावे और वादे किए जाते हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, योजनाओं को लेकर, कहीं ना कहीं उन योजनाओं का पोल खोल रहा है ये मामला। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हर जोर अधिकारियों से जरूर बात करें क्योंकि बात ये बच्चों के भविष्य का है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हर्ष। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।